खलबली हो रही है यहाँ पे। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं खेलनाओ टीवी। मैं हूँ गौतम और मेरे साथ है मोहित। मोहित मोहित आजा 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 चिलर साहब, बहुत स्वागत है। मोहित चिलर साहब, आप बड़े क्यूट इंसान हो यार, मतलब दिल के भी बड़े अच्छे हो और आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। यहाँ पे लोग आपकी स्माइल पे फिदा, दाढ़ी पे फिदा, आपके गेम पे फिदा यार। लेकिन आज जो बंदों के दिल टूटे हैं ना मोहित भाई, आज जो दिल टूटे हैं ना यहाँ पे, वो फेविकोल से भी नहीं जुड़ने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल गौतम भाई, आज जितने घमासान यहाँ पर मैच हुए हैं, मेरे को लग रहा था कि इतने मैच घमासान नहीं होंगे, लेकिन हमारी जनता जीती और नेकी भाई हारे, और मेरे को बड़ा मजा आया मैच देखने में। जी हाँ, तो फिलहाल आपको बता दूं कि खेल नाओ टीवी पर आप देख रहे हैं पोस्ट मैच वीडियो, और दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ओमेगा सैकी मोबिलिटी। और फिलहाल आपको बता दूं मैं कि जिंदगी तो है, चलती रहेगी। हमारे जो आज के यहाँ पे पोल के हमारे पार्टनर है वो है परिमैच। फिर से परिमैच, थैंक यू सो मच, आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ आपसे। आप इसी तरह से हमसे हर सीजन में जुड़िए और ऐसे ही मैं आपके परिमैच की एप्लीकेशन पे अपनी जो है प्रेडिक्शन करता रहूंगा। तो यहाँ पे मुझसे बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे हैं, यहाँ पे जो आपके लाइक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो हमारा वेट कर रहे थे, जैसे कि बी परफेक्ट करते कि ब्रो प्रदीप लास्ट में बहुत बार आउट हुआ है इसलिए यूपी जो है क्वालिफाइड, कहते हैं कि हाय रिकॉर्ड ब्रेकर इज बैक, इज बेंगलुरु क्वालिफाई। यहाँ पे निखिल परमार कहते हैं हाय, प्रिंस जैन कहते हैं सही में मोहित सर मेरा दिल टूट गया, मुंबा बाहर हो गया रे, यू मुंबा को फर्स्ट सीजन से सपोर्ट कर रहा हूं, प्लीज आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि इस साल यू मुंबा का कुछ क्या कुछ कर गई। बिल्कुल, हम इसके ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं और रिव्यू वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा है। यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में बताएंगे, कौन से प्लेयर ने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। फिलहाल आप यहाँ पे कह सकते हैं आज की जो यहाँ का मैच था दिल्ली और पटना का, इसमें दिल्ली ने आज पटना को हरा दिया, तो मेन रीजन क्या रहा मोहित सर? सर प्लेइंग सेवन चेंज, पटना के कोच ने शायद अपने मैन प्लेयर को रेस्ट दिया है, और यही कारण था कि आज युवा शक्ति को ज्यादा खिलाना था, और उनके मन से जो डर होता है चीज़ का कि आप पहले सीजन खेल रहे हो और पहले सीजन में ही आप खेल के देखो मैच को, क्योंकि पटना क्वालिफाई कर चुकी है टीम, तो पटना को शायद आज सही भी किया गौतम भाई। मेरा मानना यह है कि आज पटना ने बहुत अच्छा काम किया है कोच ने, कि एक नए प्लेयर को, युवा पीढ़ी को और एक नई जनरेशन को खिला के अच्छा काम किया। लेकिन मोहम्मद रियाज आज भी थे सर, और मोहम्मद रियाज ने बड़ा अच्छा खेला, एडवांस टैकल के लिए जा रहे थे। और गौतम भाई, आपको लगता है कि दिल्ली में वही आप वाले बात है, पुराने चावल थे, लेकिन उसके बावजूद भी पटना के यंग प्लेयर 3 ही पॉइंट से आ रहे हैं, कोई बड़ा फासला नहीं था? बड़ा फासला, अगर दबंग दिल्ली को टक्कर दी है पटना के यंग्स, जितने भी यंग ब्लड खेला है पटना के यंग ब्लड ने दिल्ली को टक्कर दी और 3 ही पॉइंट से आ रहे, तो मैं मानूंगा आज उनको उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए उन यंग प्लेयर को जो पहली बार खेले और पहली बार ही इतना अच्छा गेम दिखाया है। बिल्कुल बाबा रे बाबा, LS यादव कहते हैं कि पटना का बेंच मजबूत है रे बाबा, और एक मेन रेडर रहता तो पटना ये मैच भी जीत जाती, तो मैं इस बात से सहमत हूँ, पटना का जो बेंच है वो सच में मजबूत है। आर्यन कहते हैं कि बेस्ट मोमेंट जब पवन ने नारा के रिस्ट होल्ड अकेले ही कर ली थी। एक्चुअली वो हुआ क्या ना, वो उनके बीच में टसल इस मैच में चली रही थी। मैं ये देख रहा था कि नारा और पवन के बीच में, आपने शुरू में देखा हो पवन ने क्या, चल चल परे हो, है ना, उसके बाद नारा हमेशा इस फिराक में रहे, अब तो पकड़ूंगा, लेकिन लास्ट में जो पवन ने पकड़ा ना भाई साहब, छोड़ा नहीं, चीखे मरवा दी वहां पे। द पीयूष कुमार यादव, शुभम शिंदे बैक टू बैक हाई फाइव, 5 मोहम्मद रेजा की जो यहाँ पे निरंतरता है वो भी देखने को मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने विनय, ये बहुत ये हुई ना बात, योद्धा अभी जीती और बुल्स भी नाउ टॉप 6 विल बी दिल्ली पटना हरियाणा पुनेरी एंड बंगलुरु, तो सारी बातों की बात एक तरफ, लेकिन समरी ऑफ द मैच अगर मैं बात करूं यहां पे तो नवीन आज नहीं चल पाए क्या सर? मैं जहां तक देख रहा हूं टेबल पे अभी आएगा, टेबल अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, टेबल पे यूपी योद्धा क्वालिफाई हो चुकी है। जी हाँ, तो आप ये कितने सहमत है कि यूपी योद्धा टेबल पे क्वालिफाई हो चुकी है, क्योंकि दबंग दिल्ली -11 पॉइंट चल रही है, यही कारण है सर, मेरे को लगता है कि यही कारण है कि दबंग दिल्ली के सामने अभी थप्पा नहीं लगा, जो सरकारी थप्पा लगता है, जो लीग का थप्पा लगता है, वो लगा नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यूपी योद्धा क्वालिफाई होगी आज, कॉन्ग्रेचुलेशन जो प्रदीप के चाहने वाले हैं वो बड़े खुश हो गए कि प्रदीप नरवाल का एक और मैच देख
देखने को मिलेगा और हम मैं चाहता हूँ कि यूपी होता फाइनल खेले। सर दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के जो मैच है इस पे लौटते हैं अभी, आप ये इसके ऊपर बात करते हैं, तो नवीन आज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए गए, क्या उनकी चोट यहाँ पे आपको अभी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल गौतम भाई, मैंने मैच देखा था तो लंगड़ाते हुए चल रहे थे जब उनकी थाई होल्ड कर रहे थे, वो पॉइंट बेशक ले गए लेकिन शायद दोबारा नहीं मिलेगी। और नवीन को लगना मतलब पूरी दबंग दिल्ली को चोट लगना, सही कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। अब मेजर टूर्नामेंट आने वाला है सर, मेजर टूर्नामेंट का मेजर मैच आने वाला है जो दबंग दिल्ली के लिए बड़ा खास होगा, तो नवीन का चोट लगना कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है। घाटे का भैया, ये चोट नहीं है, घाटे का सौदा है। और वहीं पे अगर देखिए आप, नवीन नहीं चलता है तो मुझे लगता है कि विजय भी थोड़ा सा कहते हैं कि मैं भी नहीं चलूंगा, मैं पुराना नोट हूं, बस नवीन के साथ चलूंगा मैं 100 के 100 के चक्कर में। लेकिन सर मंजीत छिल्लर के बारे में क्या कहेंगे, जितनी तारीफ करें उतनी कम, हाई फाइव बहुत सही लगाया, लेकिन वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन जब कोई असिस्ट करने नहीं आता तो ऐसे घूर के देखते हैं। उनकी आदत है सर, मनजीत की आदत है, जब उनका उनके जब वो टैकल की शुरुआत करते हैं, असिस्ट करने कोई नहीं आता तो वो ऐसे देखते हैं, घूर के देखते हैं। और सर एक सीनियर प्लेयर है, अगर वो असिस्ट वो टैकल की शुरुआत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि टैकल हो जाएगा तो आपको असिस्ट करना चाहिए था। दबंग दिल्ली आज वैसे भी जीत सकती थी क्योंकि पटना पायरेट्स के हर एक प्लेयर जो मैन प्लेयर है वो मौजूद नहीं थे, तो आराम से आप भैया असिस्ट करवा सकते थे मनजीत का, वो गुस्से में नहीं आते। सही कहा आपने, तो मुझे तो यही लगता है कि आज जो ये दबंग बना पटना का मैच, ये पटना ने थोड़ा टाइम पास ले लिया कि चलो यार हम तो क्वालिफाई हो गए, इसको थोड़ा टाइम पास तरीके से खेलते हैं, अपने मेन प्लेयर्स को जो है रेस्ट देते हैं, मुझे तो ये लगा मोहित सर। जी बिल्कुल, और रेस्ट देना भी एक अच्छी बात है सर, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच गई है पटना पायरेट्स, तो सेमीफाइनल एक बड़ा खूबसूरत मैच होने वाला है, जिसका अभी टीम का पता नहीं चला लेकिन जिस भी टीम का होगा तो बड़ा खूबसूरत मैच होने वाला है। चलो डेनियल की आत्मा को भी शांति मिली होगी आज के, भैया हम घर जाके बोलेगा कि इंडिया गए थे हम, वहां पे खेले हैं हम जाके एक मैच, तो डेनियल भाई आप भी खुशी खुशी लौटो यहां से, क्योंकि देखिए डेनियल भाई जो है आज ऑलराउंडर है और 2 पॉइंट इनके खाते में भी है। सर मोहित नाम का एक और मुझे रेडर दिखा पटना में, क्या फुटवर्क था, मैं बिल्कुल सर, हाइट के भी अच्छे थे, स्पीड भी थी बिल्कुल सर, और यंग बॉलर था रामिल गौ साहब ने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी टीम खिलाई है सर। आज मोहित की बात करें तो मोहित कितना लंबे राइडर है और कितना अच्छा फुटवर्क था, पॉइंट भी लेके आया ऐसे पॉइंट भी, और पहला मैच था तो टैकल भी हुए है, लेकिन अपना जो इंप्रेशन होता कोच पे वो जमाने में बिल्कुल यहाँ कामयाब हुए होंगे। सही बात है, लेकिन संदीप नरवाल का जादू जो है थोड़ा सा कहीं आज अधूरा रहा, ये तो मैं मानता हूं कि आज दबंग दिल्ली की टीम अगर जीती है तो बहुत बहुत बड़े, मैं कह सकता हूं कि बहुत तरीके से नहीं जीती है सब, जहां पे पटना की पूरी प्लेइंग 7 नहीं थी, दो प्लेयर बड़े मार्जिन से जीत सकती थी सर, वो मोनू गोए थे वहां पे और सिर्फ मोहम्मद रजा थे। यंग ब्लड ने जितना जितने टैकल किए हैं काफी अच्छे टैकल किए हैं, और सर शार्दुल को आप भूलो मत, शार्दुल को नहीं मैं भूल रहा हूँ, मैं शुभम शिंदे अकेले, मैं शुभम शिंदे को भी नहीं भूल रहा हूँ, डिफेंडर राइट कॉर्नर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छे अच्छा काम किया दोनों ने, कोच ने इन दोनों को ना बदल के और सारी टीम को बदल दिया है, तो कितना इंप्रेशन गया होगा कोच के ऊपर इन प्लेयरों का। सही बात है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है रामवीर सिंह की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके का यहाँ पे रेस्ट दिया उन्होंने, कोई अगर इंपॉर्टेंट मैच नहीं था तो वहां पे डेनियल को भी खिलाया, डेनियल जाके बोलेंगे हम भैया खेले हैं। और इसी के साथ जैसे सौरभ गुलिया की बात करें, मोनू की बात करें, हम डेनियल की बात करें, मोहित की बात करें, तो बहुत ही नया यहाँ पे आज स्क्वाड लेके आए थे, लेकिन दबंग दिल्ली का वही पुराना स्क्वाड था, वही प्लेयर थे, और वो आज भी बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो दिल्ली का भविष्य मुझे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ लग रहा है। बिल्कुल सर, मेरे को भी लग रहा है, और नवीन को चोट लगी है जो उसमें सारा भविष्य डूब चुका है। सही बात कही आपने, तो चलिए फिलहाल से वीडियो को कीजिए लाइक, और करते हैं यहाँ पे परी मैच पोल की बात। आज हीरो ऑफ द डे सरपंच चल रही है मंजीत छिल्लर पवन सेरावत सुरेंद्र गिल के बीच में, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने दबाना है यहाँ पे वोट का बटन, और परी मैच की सरपंची में किसी एक को ऊपर लेके जाना है, ये आपके ऊपर है। वोटिंग तो पूरे भारत में चल रही है, आप अपने वोट का अधिकार बड़े अच्छे से कीजिएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि हम जो है यहां बात कर रहे हैं कि चलो भैया परी मैच की जब बात चल रही है तो परी मैच का एक वीडियो भी आपके लिए हम दिखा देते हैं यहां पे, जाते जाते लगे हाथों, तो अंकुश भाई परी मैच का वीडियो दिखाया जाए। नस फड़क फड़क तुझे सांस सांस तड़पाना है, तेज है बसड़, तू खेल बेधड़क, गेम है शुरू, बज गया बजर, डाउनलोड द ऐप नाउ।
बड़ी मैच है दिल से देसी स्पोर्ट्स वेलकम बोनस है 150% से लेके 12,000 रुपए तक 7,500 रुपए तक। तो मोहित भाई इसमें कोई विड्रॉल के लिए कोई चेक भी नहीं, कौन बंदा पैसे निकाल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। और परी मैच आपके आपके अकाउंट से मैं निकाल सकता हूँ? नहीं, मेरे अकाउंट से नहीं, हाँ मेरे परी मैच के अकाउंट से आप निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी निकाल सकता है उसमें आज से, मतलब अगर मेरा अकाउंट आपके पास है। और साथ ही आपको बता दूं कि अमेजिंग और फास्ट इसकी जो सर्विस है, कस्टमर केयर सर्विस, वो अभी 14 तारीख को कुछ सिंगल लॉन्डे परी मैच को कॉल कर रहे थे कि हेलो परी मैच, क्या मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन जीत जाऊंगा? वो दिलासा था भाई साहब, वो दिलासा आपको अच्छा रहेगा। कैशबैक है, प्रो कबड्डी लीग पे, पीएसएल और ई स्पोर्ट्स एंड मच मोर है, आप इसे डाउनलोड कीजिए परी मैच दिल से देसी। तो सर आज का अगर आप दबंग दिल्ली और पटना में दो बेस्ट ट्रेडर और दो बेस्ट डिफेंडर निकालोगे तो दोनों टीमों में दो दो कौन आपके? सर मैं मानूंगा अपने शादलू को और रेडर, उनमें अगर रेडर की बात करूँ तो रेडर, सर रेडर की कोई खास नहीं था पटना में देखिए, लेकिन लेकिन मैं फिर भी जो रेडर की बात है तो मैं डैनियल को बेस्ट निकाल दूंगा भाई, बंदा इतने दिन बाद आया यार, आज नजर बट्टू था ये पटना का, पर भाई साहब पता नहीं क्यों नहीं आज पटना चल पाई। कोई दिक्कत नहीं है, कई बार किसी टीम के हारने से कोई दिक्कत होती भी नहीं है। बिल्कुल सर, और दबंग दिल्ली की बात करूं तो मंजीत और विजय, आज इन दोनों ने अच्छा काम किया। सही बात है। तो फिलहाल ये थी टीम यहाँ पे। तो सर अब मुझे जो अगर हम यहाँ पे पोजिशन देख रहे हैं तो क्वालिफाइड वन और क्वालिफाइड थ्री की बात करें हम तो यूपी योद्धा और पटना पायरेट्स, तो सर ये क्वालिफाइड टू कहाँ गया? मतलब वहां सर दिल्ली होगी नहीं, अगर दिल्ली है क्वालिफाइड टू दिल्ली आएगी, लेकिन वो माइनस ग्यारह नहीं लगा, थप्पा नहीं लगा, माइनस ग्यारह आया हुआ है, तो क्वालिफाइड टू शायद एक मैच और जीतना पड़ेगा, क्या पता यहाँ पे क्वालिफाइड टू की जगह कोई और टीम आए। देखिए हम देखते हैं कि आ गई सर हो, और दिल्ली 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 Q2 Q1 Q2 Q3 और यहाँ पे मैं देख रहा था कि टीमें तो मिल क्वालिफाइड हो चुकी है, मिल चुकी है यहाँ पे। तो आज अब तो बता दो सर इस सीजन की अपनी 6 टीमें सर, अब तो बता दो सर। बुल्स देखो, बुल्स अब हरियाणा स्टीलर्स, जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन और गुजरात पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है हरियाणा स्टीलर एक मैच जीत जाएगी तो ये भी क्वालिफाई हो जाएगी, जयपुर पिंक पैंथर एक मैच जीत जाती है ये भी क्वालिफाई हो जाएगी, पुनेरी पल्टन के पास अभी 2 मैच है और गुजरात के पास भी 2 मैच है, तो ये दोनों टीमें कहीं ना कहीं बुल्स का पत्ता कटता साफ नजर आ रहा है मेरे को। लेकिन एक टीम की और बात करूँ सर, एक टीम का और पत्ता कटना है अभी, जैसे अभी जो पॉइंट टेबल में घमासान युद्ध मचा हुआ है तो बुल्स तो दूसरी टीमों पे निर्भर है, हरियाणा स्टीलर्स पे निर्भर है, जयपुर पिंक पैंथर पे और पुनेरी पल्टन पे और गुजरात पे निर्भर है सर, ये चारों टीमों पे बुल्स निर्भर है। तो एक टीम की बात करूं तो मेरे को लग रहा है सर कि जयपुर पिंक पैंथर ने अपना, हरियाणा स्टीलर्स ने अपना अगला मैच अच्छे मार्जिन से जीत लिया, तो बुल्स का पता जी बिल्कुल, तो बुल्स का पता अगर नहीं, उसने बुल्स का तो पता सर साफ ही होना है, अगर हरियाणा स्टीलर्स ने अगला मैच भी नहीं जीता अपना, जी। तो हरियाणा स्टीलर्स का भी पता साफ हो सकता है, बिल्कुल साफ हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात बताओ आप मुझे, जब बुल्स खेल रही थी तो कोच क्यों कह रहे थे कि भाई ज्यादा पॉइंट ले ले, पॉइंट ले ले, ज्यादा पॉइंट के मार्जिन सर, ये जो प्लस जो स्कोर डिफरेंस है ना, ये इसके हिसाब से भी ये हेल्पफुल होता है जी, और बुल्स के सारे मैच हो चुके हैं, 22 के 22 मैच हो चुके हैं, तो बुल्स का क्वालिफाई करना इन हरियाणा स्टीलर्स, जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन, गुजरात के हाथ में है, कौन सी टीम बाहर होगी इनमें से एक, तो इसलिए कोच पवन को समझा रहे थे कि हमारे लिए जो हमने आंकड़ा लगाया है स्कोर डिफरेंस भी मायने रखता है, तो स्कोर डिफरेंस को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, या ये बोल रहे थे कि यहाँ सितर रख सकते हो आप स्कोर को, अब 16 पॉइंट की लीड तो 16 ही पॉइंट रहने दो, आप एमपीटी रेड करके आ जाओ। जी हाँ, यहाँ पे द पीयूष कुमार यादव आर्यन कहते हैं कि भाई बेस्ट मोमेंट जब पवन ने नाड़ा का रिस्ट होल्ड करके अकेले ही कर लिया, वो मैं कह रहा था ना उनके बीच में आपस में टसल चली गई थी, तो ऐसा होता है कि भाई मैं पकड़ू तन्ने भाई मैं पकड़ू, होता ये ना सही मैच खेलते ये चलता रहता है। और सर एग्रेशन, आपने नाड़ा का असिस्ट वो परस्यूट ही देखा, क्या बढ़िया परस्यूट मार गया नाड़ा जी, बिल्कुल गौतम भाई एग्रेशन तो होता ही है गेम में, बाहर सबकी दोस्ती होती है लेकिन गेम में एग्रेशन दिखाएंगे तो कहाँ क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा तब तक आपके अंदर का खून नहीं उबाल मारेगा तो कैसे कबड्डी खेलोगे। जी हाँ, विनय कहता है ये हुई ना बात, योद्धा भी जीती और बुल्स भी नाउ टॉप 6, विल बी दिल्ली पटना हरियाणा पुनेरी बंगलुरु। अभी विनय खुश मत हो, अभी बुल्स का कोई पता नहीं है क्योंकि 22 मैच हो चुके हैं और क्वालिफाइड का टप्पा लगा नहीं है उनपे, तो अभी दूसरी टीम पे यहाँ पे ये निर्भर है। और भैया अब क्या है कि दूसरी टीम के जीतने की यहाँ पे वो करेंगे ऊपर वाले से दुआ।
और धैर्य कहते हैं कि पंडित बिठाने पड़ेंगे, पंडित बिठाने पड़ेंगे, पाठ बिठाना पड़ेगा। धैर्य कहते हैं सर कुछ नहीं होता, अच्छा खेले पटना, बिल्कुल पटना तो अच्छा खेले। विनय कहते मोहित चल रहे सर आज जो है पतली गली से मत निकलना, आज टॉप टिक्स बताओ और टॉप सिक्स बताओ। और आपने जो है गौतम के आने से शो में जो है एनर्जी आती है जो, ओके जी हाँ थैंक यू सो मच विनय, आपका इस एनर्जी को भी थैंक यू मैं कहूंगा। और एनर्जी का जो हमारा बूस्टर है मोहित छिल्लर, तो भैया आपका जो एक ही काम है बूस्टर, आपका जो थंब इंप्रेशन है ना वो हमारा बूस्टर है। जितना वो बढ़ता जाएगा हम बूस्टअप होते जाएंगे, मेरी आवाज बढ़ती जाएगी, पता नहीं कहां कहां से आवाजें निकलनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं भाई साहब थोड़ा धीरे धीरे थाम बाबा ये थाम, आस्ते आस्ते। तो सर आपको क्या लगता है अब मोहित सर की यहां पे आज टॉप सिक्स टीमें तो आपने बता दी है, लेकिन हरियाणा के साथ भी जो है पटना ही क्या यही टीम होगी आगे अगर उनका मैच होता है, या फिर टीम में चेंजेस करेंगे वो? सर ये तो सर मुझे लगता है कि अब कोचेस के दिमाग का खेल है वो क्या करना है। पटना के हाथ में सारा गेम, पटना के हाथ में सारा गेम, पटना की टीम में, पटना के कोच, सही बात है, कोच के हाथ में सारा गेम। अगर पटना के कोच अपनी टीम को सेम एज मैन टीम उतारेंगे जो उनकी मैन, वो चाहेंगे बंगलुरु आया ना उनको, वो उनके हाथ में है बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगर कोच की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, इसलिए तो कहते हैं कि कोच का जो सोच है बहुत जरूरी है। वरुण सैनी कैसे हैं आप? मोहित भाई आपकी बहुत कमी खल रही है हरियाणा में, भाई साहब सच बता रहा हूं आपको, अगर सुरेंद्र नाड़ा के साथ आज मोहित होते ना वहां पे इस सीजन में, तो भाई साहब आप कमाल कर देते, बवाल कर देते, धोती फाड़ के रुमाल कर देते। सरसों झा करें कि आज प्रदीप को सेकंड हाफ में क्या हुआ था, भाई हो ही जाता है यार, हो ही जाता है प्रदीप को कभी 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 कुछ हो, प्लेयर नहीं चलता, लेकिन काफी अच्छे पॉइंट थे सर, हाफ टाइम में काफी अच्छे पॉइंट लेके आए, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत हो जाता है। चलो छड्डो यार, हो जा, जो बातें हो गई हो गई, प्रदीप फिर भी जो है बढ़िया प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। लेकिन सर बंगलुरु बुल्स और हरियाणा के बीच की अगर मैं बात करूं, तो आज क्या रीजन रहा जो हरियाणा इतने बड़े मार्जिन से हारा है सर, 46-24 से तो रीजन एक ही है सर, रीजन मैं बताना चाहूंगा, जो रीजन है आज का वो रीजन है पवन सहरावत। पवन सहरावत ही सारी कांडी कर गया भाई, बिल्कुल सर, और आज पवन और पवन के साथ जो भरत चले हैं सर, रणजीत ने भी 3 पॉइंट कमाए हैं, बाकी उनके डिफेंस अमन हुए, सौरभ नंदाल हुए, इन्होंने भी 4-4, 3-3 पॉइंट कमाए हैं डिफेंस में। तो आज सबसे जो सेधने वाला था, इनको सबसे ज्यादा हानि देने वाले थे वो है पवन, पवन सहरावत ने आज हरियाणा स्टेडियम को अकेले ने ही धो दिया। सही बात है, टैकल भी 7 पॉइंट ले, 7 पॉइंट टैकल के भाई साहब, 13 पॉइंट उन्होंने रेड पॉइंट लिए। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है गौतम भाई की आज जो सब कुछ खराब करने वाला था वो कौन था? वो पवन सहरावत अकेला, ये अकेला एक पूरी टीम बना हुआ था, मैच झुकेगा ना है, एक्चुअली गुस्सा आ गया था पवन को। पवन और सुरेंद्र नाड़ा के बीच में जब पहला टैकल वहां पे सुरेंद्र नाड़ा से अनसक्सेसफुल हुआ, तो नाड़ा ने कुछ कहा कि तू बच गया रे, अगली बार नहीं बचेगा, तो पवन सहरावत ने ऐसे हाथ दिखाया कि चल चल मैं देख लूंगा, वही गुस्सा था शायद, यही गुस्सा था, और वो शुरू से ही वो मूवमेंट वहां पे क्रिएट किया, और उसके बाद जब भी गए तो टो टच करने की कोशिश थी वो बार बार सुरेंद्र नाड़ा की तरफ थी, और सुरेंद्र नाड़ा भी इतना जिद्दी कि भाई तेरी टांग मैं ही पकड़ूंगा, हर बार छूट रहे थे, हर बार छूट रहे थे, कहते अच्छा फिर उनके पीछे बात हुई, तो कहते तू ना टैकल कर पा रहा, तेरे को मैं टैकल करूं। और जब परस्यूट मारा वहां पे सुरेंद्र नाड़ा ने, और क्या बढ़िया परस्यूट मारा है आज, मैं कहूंगा कि भैया देखो यहां पे भरत को जो परस्यूट, भरत जो है रेड खत्म करके दौड़ते होकर और टच करके वापस आ गए वहां पे, और परस्यूट सक्सेसफुल। नाड़ा जो है कई बार ऐसे भी डू एंड डाई रेस में भी फंस चुके हैं, लेकिन उनके परस्यूट को सल्यूट है आज, भाई मैं ये कहूंगा सुरेंद्र नाड़ा ने वो अपनी गेम दिखाई है। तो लेकिन सर वो चुल कहां से आती परस्यूट कर रही है ये बताओ सर? परस्यूट एक्चुअली है ना इसी चीज से होता है, परस्यूट रेडर नहीं करता, कॉर्नर्स करते हैं टीम के, आगे निकल के रेडर का ध्यान ना होता तो कभी राइट रेडर, कभी राइट डिफेंडर कॉर्नर, और कभी लेफ्ट कॉर्नर, यही परस्यूट करते हैं। और सुरेंद्र नाड़ा में ये चीज है, मैंने भी करने की कोशिश की थी सर, मैं गया नहीं, सेंटर लाइन क्रॉस नहीं हुई हमारा, कभी यार मैं यहाँ थोड़े से चार्ज करता हूँ, कभी वो मेरे को ज्यादा चार्ज करते, ये बात है, कोशिश तो मैंने भी करी पर सेंटर लाइन के उस तरफ नहीं, इधर ही करी मैंने, जाने की कोशिश, दम तो था सर, लेकिन जाने ना भैया बदलेगा, नाड़ा जी क्या ना थोड़े दुबले पतले से फटफट जाते हैं, हवा की तरह फटफट आ जाते हैं वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो लगता है आप जाएंगे तो पहले धरती हिलेगी पांव निकलते ही, वो भी लगता है कि ये मैं तो सर बैक लाइन भी क्रॉस करके आ जाऊंगा, एमपीटी रेड जरूर कर सकता हूं पर शूट में, लेकिन डू और डाई पे नहीं, डू और डाई नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहते हैं कि पटना ने
आज मन जीता है भैया। पटना तो बिल्कुल ही मन जीत रही है पिछले कई सीजन से, लेकिन जो मनजीत नाम का प्लेयर है वो किसी और टीम में है, रहने दो, उसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन सर विकास कंडोलों का नजर लगी हुई थी आज यहाँ पे, आशीष भी कुछ कर नहीं पाए। आज अगर बात करें तो सारी टीम को ही नजर लगी थी आज, इतनी लचर खेली ना टीम, इतनी लचर खेली है। जैसे एक मैच पुनेरी पल्टन के साथ आपको याद होगा हारी थी, वैसा ही आज देखने को मिला है कि हरियाणा स्टीलर्स कितनी हारी हुई टीम है, थकी हुई टीम लग थकी हुई टीम है। और नेगी भाई ये क्या चल रहा है? नेगी जी कुछ कह रहे पीछे, इशारे कर रहे कि कोई बात नहीं, इशारों इशारों में दिल खो गया। और सर ये मोहम्मद महाली जो है इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा प्लेयर है भाई साहब, ये टो टच भी कर दे तो सेंटर लाइन से टो टच कर दे। सर ऐसे नहीं होते बोलने से और हट्टे कट्टे से थोड़ी नहीं होता है ना। हाँ मैंने ये देखा है, वर्कआउट करना पड़ता है आपको, प्लान बनाने पड़ते हैं आपको, ये देखना पड़ता है कि कौन सा डिफेंडर हैवी चल रहा है, कौन सा डिफेंडर आपके सिर के ऊपर खेल रहा है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है सर, ऐसे थोड़ी कबड्डी के प्लेयर बन जाते हैं। बिल्कुल सर, मीतू और विनय दो ऐसे रीडर हैं आपके पास जो कि हरियाणा के बड़े, मुझे लगता है। तो भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज राकेश कुमार ने शायद कोई वो चेहरा नहीं था जो अंदर नहीं किया। सही बात है, सही, हर एक प्लेयर को यूज करके देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामियों का जी हाँ एक चखना पड़ा, जो ठीक रहा है वो फूटा है वहां पे इनके सिर पे। तो वो एक बात बताओ आपकी, जैसे लास्ट में पवन ने जो है यहाँ पे, आज पवन का दिन था, ओवरऑल पवन का दिन था, ये अकेला सब कुछ करने वाला सौरव नांदल और अमन उनका साथ दे रहे थे, असिस्ट कर रहे थे ये बोल सकते हैं, लेकिन आज पवन रेडिंग डिपार्टमेंट में भी अपने आप को लीड राइडर बनाए हुए थे, डिफेंस में भी अपने आप को लीड डिफेंस का हिस्सा बनाए हुए थे। सही बात है। और जो भरत है वो मेरे को लग रहे थे वो पवन का राइडिंग डिपार्टमेंट ने साथ दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज पूरी हरियाणा स्टेडियम पे जो हरियाणा का लट है उसको नहीं करने दिया, वो लट पवन सहरावत ने खोज के और धड़ा धड़ा के मुर्गा बना के दिया। यहाँ पे चंदन रंजीत का वो स्टाइल ढीला ढाला ही है सर, अभी तक मुझे चंदन रंजीत का समझ नहीं आता, गोली देनी पड़ेगी उसको भाई थोड़ा तेज हो जा सर। वो बंदा पहले से सुस्त हुआ है कि नहीं हुआ ये तो जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानूंगा वो तो भाई, जब रंजीत इससे पहले सीजन खेल रहा था, सातवां सीजन खेल रहा था, तो बड़ा बड़ी फुर्ती थी हमारे साथ खेला, तो सर पकड़ में नहीं आता था, बोनस तो ऐसे कर जाता था जैसे ऐसे ही कोई खेल बना लिया उसने, जैसे नवीन करके जा रहा है। लेकिन इस सीजन पता नहीं क्या हुआ, शायद सर उसकी अभी शादी हुई लग रही है मेरे को, मुझे भी लग रहा है थका हुआ लग रहा है मुझे भैया। थको मत भाई, थको मत, थका दो, चिख है निकलवा दो, शादी हुई अगर सारा सुख जागर है। आज प्रदीप को सेकंड हाफ में क्या हुआ था, बिल्कुल बता रहे प्रदीप के ऊपर ही आ रहे हम, तो चलते अब अपने तीसरे मैच पे, लेकिन उससे पहले हम जाना चाहेंगे परी मैच के पोल पर। और देखिए मंजीत छिल्लर यहाँ पे 25% वोट के साथ दूसरे नंबर पे है, पवन सेरावत 58% वोट के साथ नंबर वन चल रहे, सुरेंद्र गिल 17% वोट के साथ यहाँ पे सबसे लास्ट में है, मंजीत छिल्लर सेकंड नंबर पे है, माफ कीजिएगा। तो ये है हीरो ऑफ द डे 58 प्रेजेंटेड बाय परी मैच। और आपसे बस इतना कहूंगा कि आप ना मोहित भाई, समय के साथ फुर्ती कम हो जाती है ये आप भी जानते हैं, अच्छे से राहुल यादव कहते हैं। अच्छा फुर्ती कम हो जाती है भैया वहां पे उनके, एक्चुअली क्या है ना नीचे वाले फ्लोर कहते हैं कि भाई सोने नहीं दे रहे, कैसी चू चू की आवाज आती है। तो भैया फुर्ती पता नहीं कहाँ कम हो रही है, क्यों इतनी करवटे रात को बदलता है इंसान भाई है, ये फुर्ती तो भाई ठीक ठाक चल रही है वहां पे फिलहाल। यहाँ पे एक मेरे पास मैसेज आया है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि यूपी योद्धा का भविष्य क्या है, सर भविष्य बताइए, भविष्य मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है यूपी योद्धा को, अगर आप स्टैंडिंग में रिंकू की बात करूं तो सुपर फजल अत्रा चलेगा, आज वो एक ना चली, फजल अत्रा चली, दो पॉइंट उनके रह गए बस। तो गौतम भाई मैं तो बोल रहा हूँ फजल आज के अगले डिफेंसिव होते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं राइडर पर, लेकिन रिंकू एक युम्बा के कामयाब डिफेंडर है। और अभिषेक की बात करूं, अभिषेक ने फिर वही आपकी बाबा वाली गोली खत्म होगी शायद वही चार मैच अच्छे खेल के फिर जिस मैच में डू और डाई थी उसी मैच को खराब कर दिया है। फैजल चले दो तीन मैच चले, असिस्ट करने में बड़े अच्छे थे, असिस्ट तो उनकी माननी पड़ेगी, यहाँ पर उनको 10 में से 10 पॉइंट देने पड़ेगा सर असिस्ट जो वो असिस्ट करते हैं। तो युम्बा भी आज बिल्कुल ऑफ रही है, इतने बड़े मुकाबले में आप कैसे आके ऑफ हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं, ये इन्होंने सोचा कि प्रदीप नरवाल ने चल रहा है मजे से जीतेंगे मैच, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप नरवाल का और सर सुरेंद्र गिल का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो दोनों का सेम ही है, सेम स्ट्राइक रेट, क्योंकि प्रदीप ने 14 रन में 6 पॉइंट लिए हैं और गिल ने
16 रेड में 8 पॉइंट लिए, तो कहीं ना कहीं सेम ही स्ट्राइक रेट है। प्रदीप का जो पहला ही वहां पे एक सुपर रेड था ना, वो दिल जीत गया है यहाँ पे। तो प्रदीप मुझे लगता है अभी भी ये इस इंसान में बहुत ज्यादा जान है, काबिलियत है सर इसमें। आप ये मत मानो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई होगी, 19-20 का फर्क हुआ होगा, लेकिन जितनी क्षमता प्रदीप में ना, शायद जो वो स्ट्रगल करते रहते हैं हार नहीं मानते, वो किसी प्लेयर में नहीं है। जी हाँ, देखिए राहुल यादव कहते हैं फजल अतराचली मैच में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से पॉइंट गवा दिए। भाई साहब यही तो बात होती है, फजल अतराचली जब जब नहीं चले ना, टीम भी नहीं चली वहां पे। उस दिन जो मैंने देखा है, उस दिन जो है ना अभिषेक चला ना वी अजीत चला, वी अजीत कमर में हाथ दे कैसा मुंह बनाते हैं भाई साहब, भाई पता नहीं हो कमर की दर्द भी याद आती है। सारे दर्द हो गए ना क्योंकि टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो मेरे को यहाँ दर्द था, यहाँ दर्द था, बिल्कुल, तो वो सारे सिस्टम भी आ जाते हैं। क्या क्या बताऊं मैं आपको ये सिस्टम की बात। जी सही बात है, मैं आप बहुत बातें आपने सिस्टम की बताई है, कभी कभी खुलासा होगा यहाँ पे सिस्टम का तो बड़ा विस्फोट होगा। चलो कोई नहीं, वो पर्दे के पीछे की बातें हम क्या जानते हैं कि जब अक्षय कुमार जब शूटिंग कर रहे थे तो क्यों जो है ट्विंकल वहां पे आई और क्यों थप्पड़ मारा कि तुम प्रियंका के साथ क्या कर रहे हो, यही बात है यार। अब सारी बातें होती है, अब सारी बातें अगर आगे आ गई तो फिल्म तो ऐसे फ्लॉप हो जानी है जी, तो फिल्म को चलानी है, सुपर हिट करनी है और आप लोगों के साथ खड़े हो। तो लाइक करो इस वीडियो को, बढ़ाओ इस वीडियो को जितना बढ़ा सकते हैं और प्यार अपना बढ़ाओ। तो मुझे क्या लगता है सर, नीतीश कुमार के डिफेंस की अगर बात करें तो नीतीश भी पूरे सीजन में मुझे उतना जितना मतलब पिछले सीजन में या फिर पहले पिछले सीजन में वो टैकल पॉइंट कर चुका जो इंसान, वो अब इसे सातवें सीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इस सीजन पता नहीं नीतीश को क्या हो गया है। सुमित भी इतना साथ, लेकिन सुमित सर अगर ओवरऑल यूपी एक डिफेंडर को निकाले तो सबसे कामयाब डिफेंडर इनमें सुमित ही। सही बात है। और श्रीकांत यादव की सर, श्रीकांत यादव को बीच में अगर मैं कहूंगा कि प्रदीप को अगर ज्यादा रेट दी जाती, प्रदीप के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा अगर जताया जाता इस बार पहले से ही, श्रीकांत यादव को कम मौका दिया जाता। देखो ऐसी बात है, सब्स्टिट्यूट होकर आए थे श्रीकांत भाई और 3 पॉइंट लेके आए, वो कहीं ना कहीं मैच जिताने में कहीं काम आए होंगे। प्रदीप ने 14 रेड पॉइंट की, 6 पॉइंट आए, तो आज प्रदीप का कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 50% दिन था, कि दिन था या नहीं था, 50% को अब मैं कैसे नहीं भाई 50-50 आता ना बिस्किट खाने का बड़ा मजा आता, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए ऐसे ही किसी को प्रमोट नहीं करना है। देखो तो मैंने बिस्किट की बोली है, तो बिस्किट ही तो है, मैंने कंपनी का नाम थोड़ी बोला है, बोल नहीं दिया 50-50 चलो 50-50 कहाँ है उस कंपनी का नाम यार। ब्रांड का नाम है भाई साहब, तो पूरे ब्रांड का नाम ले लिया आपने, तो कोई बात नहीं यार, फ्री में 50-50 लो जी, अगली बार बिस्किट आपकी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को यहाँ पे। अच्छा यहाँ कहते कि मोक्सोदलू को यू मुंबा ने चांस क्यों नहीं दिया है, रहने दो यार, अब ये चांस की बात मत करो यार श्याम कपूर, आप सर, हो गया जो हो गया। ध्रुजा का नाम ले जी, ध्रुजा लो भैया, ध्रुजा तुम्हारा नाम ले लिया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, अब तुम वो भी हीरो वाली तुम टोन तो नहीं, तो ना 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 ले भाई, इतना ले लिया तेरा नाम ध्रुव, जा जा इस क्लिपिंग को काट के अपने फेसबुक पे डाल यार, जा मैं मतलब अगर मैं ना तेरे ना तेरा फैन हो जाऊंगा ध्रुव, एक बार ये काम कर दे। पवन शेरावत इज बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल दिलान मारवी, गौरव गुप्ता कह रहे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है सीजन में, सर आपकी फेवरेट टीम कौन है सीजन में अगर हम बात करें। मैं जीत पे नहीं जाता, लेकिन पटना पायरेट्स जैसे टीम खेल रही है, बिल्कुल ना कोई बड़ा नाम ना कोई बड़ा प्लेयर, और आज देख लो दिल्ली के साथ कैसे खेल रही है, सही बात है। अब तो मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे जो हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, 250 का टारगेट लेके हम चले लाइक का, 300 तक तो पहुंचा दीजिए, 300 मोहित सर, 250 में और 500 लाइक जो है नेगी साहब, यहाँ पे हमारे आज जो थोड़े से यहाँ पे मुरझाए हुए से लग रहे हैं, नेगी साहब पता नहीं क्या करके आए, कहाँ क्या करके आए, एकदम मुरझाए हुए हैं। श्याम कपूर कहते हैं कि यू मुंबा के मैनेजमेंट को बोल देना कि प्लीज कोई अच्छा रेडर ले ले नेक्स्ट सीजन। वैसे एक बात बताऊं कि यू मुंबा की टीम में भी कोई खराबी नहीं, टीम सबकी अच्छी थी, इवन तो तेलुगु की टीम भी अच्छी थी, अगर मैं बात करूं मुझे इस बार किसी भी टीम में कोई खराबी लगी नहीं है। मोहित सर आप देखिए, अगर यू मुंबा की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो अभिषेक के साथ वी अजीत की अगर हम बात करें, प्रताप की हम बात करें, हम अगर बात करें यहां पे जो उनके अगर डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस उनका ज्यादा मजबूत था जो कुछ नहीं कर पाया। अजय
अजिंक्य कांपरे की बात करें, बढ़िया ऑलराउंडर इन्होंने लिया था, लेकिन कई बार जो है आपका जो है सीजन ही नहीं होता है। जी हाँ, अब मुंबई में आप थे सर, वो सीजन कितना बढ़िया जीता था उस टाइम, देखिए तो आपकी मुंबई वाली टीम में कौन कौन थे सर उस वक्त? सुरेंद्र नाड़ा थे आपके साथ? सुरेंद्र नाड़ा, मैं मतलब मोहित चिल्लर जी, और अनूप कुमार, शब्बीर बाबू, ऋषांक, जीवा कुमार, विशाल माने, ये सात प्लेयर सर प्लेइंग में। तो विशाल माने उस टाइम भी हलवाई की तरह थे? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने सोचा उसके बाद। वो बड़ा फिट है ऐसे। लॉकडाउन में उन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगा हलवाई के जलेबी जलूबी की दुकान खोल रही हो। नहीं सर। और सर एक चोटी वाले प्लेयर भी तो है, एक चोटी रखते हैं जो प्लेयर, एक जयदीप। हाँ हाँ, वो भी तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी पकौड़े तल के आ रहे हैं। ये लुक होता है भाई साहब, ये लुक से मुझे विशाल माने थोड़ा ऐसा लगता है कि मैंने वैसे ज्यादातर हलवाई देखा, अरे भाई कितना कर लो जलेबी चाहिए तुमने। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे जो बहुत मैच हुए बहुत बढ़िया हुए, शानदार हुए। मोहित भाई जितना नाम लो, ध्रुव झा का वो फिर रोज आता है, और उस दिन भी लिया था आपने, फिर भी आ गया, कोई बात नहीं राहुल यार आने दो। प्रीतम कहते हैं पटना फाइनल में जीतेगी गौतम, और गौतम भाई मार्क माय वर्ड्स, मुझे डाउट भी है फाइनल नहीं जाएगी, और मुझे डाउट भी है कि जो फिनाल नहीं जाएगी। मतलब कोई बात नहीं यार प्रीतम, आप जो कहना चाह रहे फाइनल नहीं जाएगी, देखते हैं अभी टाइमिंग कितना सर, एक वीक है, एक वीक के बाद आपके सामने सब कुछ, ऐसे सारी लीग की पटना फाइनल नहीं जीतेगी, कहते हैं पटना फाइनल नहीं जीतेगी, देख ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, राम मेहर सिंह जिसके कोच है ना, उस टीम का जीतना मुझे 100% यहां पे तय सा लगता है, पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसा लगता है कि राम मेहर सिंह जो है पिछले कुछ सीजन से जो है जिस तरह से कोचिंग कर रहे हैं, वो कोचिंग में वो मेन रेडर हो गए सभी कोचेज में। सर बड़े सख्त कोच है, वैसे तो मजाक करते हैं, लेकिन मैच में गलती नहीं करनी, नहीं उनके अनुसार बिल्कुल, अगर गलती कर दी आपने तो आप कसूरवार हो, एक गलती हो जाए दो अगर सर वो बोलते हैं, मुझे लगता है मोनू गोयस से भी कोई गलती हुई थी इस बार, एक ठोकर, चार पांच मैच नहीं खिलवाए, एक ठोकर लग जाए दो ठोकर लग जाए, लेकिन तीसरी ठोकर लगने का कोई चांस नहीं है। हां क्या बात है, तो यही डिसिप्लिन होता सर आर्मी, डिसिप्लिन यही होता है। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो मोनू गोयस से पूछूंगा आखिर ऐसी तुमने क्या गलती कर दी थी भाई, जो तुमने तीन मैच नहीं खेले, कहीं वो इंजर्ड थे, कहीं कोविड था, क्या सीन था? तो मोनू गोयस का यहाँ ना खेलना वैसे कोई कमी खली नहीं उनकी, ये रामवीर साहब ने बता दिया कि कोई स्टार रेडर हो ना हो, आपका जो एक गेम प्लान है, आपका जो पूरा गेम के लिए जो शतरंज की, आपका शतरंज की चाल की तरह जो आपका यहाँ पे जो बिसात बिजती है वो आपकी सही होनी चाहिए। मोहित सर बड़े नामों की अगर हम बात करें तो इस बार कौन सा, मुझे लगा कि सभी टीम्स के पास बड़े नाम थे, बड़े नाम की बात करें तो बेंगलुरु के पास, बंगाल वॉरियर के पास यहाँ पे मणि थी, गौतम भाई हर एक टीम के पास बड़े नाम थे बिल्कुल, लेकिन पटना के पास बहुत बड़े नाम नहीं थे, एक मोहित गोयल को छोड़ के, सचिन था सर, सचिन मोनू गोयल और सचिन, सर सचिन उतना बड़ा नाम मुझे नहीं लगता, उतना बड़ा नाम सचिन की तारीफ करनी होगी, सचिन ने गुजरात को 2-3 सीजन फाइनल अकेले जितवाया बिल्कुल सर, राइडिंग डिपार्टमेंट में सचिन ही थे और सचिन वहीं से ही प्लेयर बने और प्लेयर बन के उभरे हैं, तो सचिन एक अच्छा नाम है, बड़ा इतना तो नहीं बोलूंगा जैसे नवीन जैसा, प्रदीप जैसा, लेकिन एक लेवल का नाम होता है कि हाँ सचिन तनवर आ गए हैं राइडिंग राइड करने, तो एक बड़ा ही नाम हो गया सर। सही बात है। राहुल यादव कहते हैं कि सर पूरा सीजन खत्म होने वाला है, लोग अभी राहुल चौधरी को ही पूछ रहे हैं, पूछने दो भाई, वो घर में पहुंच गया है, घर में वो भैंस के दूध खा रहा है, दूध का दूध खाया जाता है, वो दूध की बोली बनती है ना, वो खा रहा, हरियाणा में बोली बनती है, आपको बताओ जी जी जी, चल कोई नहीं हरियाणा में बैठ जाके खा लेगा सर, मासी का घर भी तो हरियाणा में उसकी, नहीं सर यूपी में, यूपी में, ओके चलो ठीक है यार, उसने बताया था एक बार, उसकी ससुराल वहां पर है, ढोकला पापड़ा, ओके ओके कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा वो हेलीकॉप्टर लेके गया था जो आप नहीं गए थे उसकी शादी में? मैं नहीं गया था, हेलीकॉप्टर में चले जाते, अपना वाला हेलीकॉप्टर लेके चले जाते यार, मैं सोचा यार ज्यादा टाइम, तेल 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 क्यों खर्च लगा, पहले ही महंगाई महंगाई चल रही है। एएम गेमिंग कहते हैं कि सर क्या लगता है दिल्ली डायरेक्ट सेमीफाइनल में आएगी? हाँ बेटा तुम ऐसे ख्वाब से डालो, क्या लगता है सर डायरेक्ट सेमीफाइनल आ सकती है? सेमीफाइनल में कैसे सर, ये थोड़ा सा सेकंड पोजीशन पे सर, अब एक और मैच बचा है, बिल्कुल और एक मैच, और वो भी किसके साथ बचा है? बड़े जहाज के साथ, बड़े जहाज तेलुगु के साथ मैच बचा है, अगर तेलुगु ने हट डंडा कर दिया तो, जहाज डूबा दिया उनका तो सर दूसरी टीम जिनके दो मैच बचे पटना पुणेरी पल्टन इनकी ये आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात जी जी जी। यहाँ पे हृतिक राज कह रहे हैं कि मोहित सर पटना जो है अपने मैचेस में जयपुर से और दिल्ली से दोनों मैचेस हार गई, आप क्या कहते हैं मोहित सर? किससे हार गई सर? पटना जो है अपने मैचेस में जयपुर से और दिल्ली से वो दोनों मैच हार गए, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा चार मैच जो इनके वो थे बिल्कुल हार गए
हार जीत चली जाती है यार। टेबल की टॉप टीम है सर, ये देखो ना, हार के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, टॉप है आज तो, उनकी टीम ही सारी चेंज थी तो टॉप टीम है, क्या दिक्कत होगी। सही बात है, मुकेश यादव कह रहे हैं चक्कर में क्यों पड़े, मुकेश के कोई नहीं है टक्कर में। सही बात है सर, यहाँ पे मुकेश यादव कह रहे हैं कि क्या बात है कि प्रदीप जो है वो चल नहीं पा रहे, मुझे लगता है कि उनकी जो नहीं चल तो अच्छे पा रहे, उनकी सर्विस कराने को हो रही है। नहीं नहीं सर, कितने अच्छे चल रहे हैं आपने देखा नहीं, बढ़िया चले लेफ्ट राइट। सही बात है, श्याम कपूर कह रहे यू मुंबा का नेक्स्ट मैच देखो या नहीं, अब मत देखो यार रहने दो, मैं तो ये क्यों दिल तोड़ रहे हो अपना, अपना दिल क्यों तोड़ रहे हो, हमें देखो मेरे को तो भाई को देखो, लाइक करो हमारे वीडियो को। शिवम श्रीवास्तव कह रहे हैं सर यहाँ पे यूपी योद्धा फाइनल जीतेगी क्योंकि यूपी लगातार फोर्थ टाइम प्लेऑफ में गई है। ये तो शिवम देखिए मुझे लगता है कि आप सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई पता नहीं यार, कोई कई बार सर हमें लगता है कि बड़ी टीम है, कई बार आपको ऐसा कभी एक्सपीरियंस आपने फील किया है कि कोई टीम जो है बड़ी टीम है आपको लगता है ये जा सकती है और वो टाइटा फिस हो गई हो। सर बड़ी टीम तो सारी थी लेकिन ऐसा नहीं, आपके जब आप सीजन खेल रहे थे सर सर हाँ लास्ट सीजन जो सातवां सीजन था तमिल तलाइवा बड़ी टीम थी, बड़ी टीम जैसे नाम अच्छे थे मुंजीत छिल्लर मोहित छिल्लर मोहित छिल्लर अजय ठाकुर राहुल चौधरी रण सिंह तो बड़े नाम थे, तो टीम ऑन पेपर तो अच्छी थी, ऑन पेपर बहुत बढ़िया हरियाणा की तरह थी, ऑन पेपर तो ऐसी थी सर कि फाइनल में खड़ी है, जैसे आज आज हरियाणा जैसे हरियाणा की टीम है ऑन पेपर जी बिल्कुल फाइनल में खड़ी है, लेकिन वो फाइनल दिखा ही नहीं, बारह ही टीम थी तो 12वें नंबर पे आए यार, बड़े प्यार से बिजती कर ली जाए आपने, ये बात है। देखिए लेजी बाय चॉइस कहते हैं कि पटना पायरेट जो है भले हार गई लेकिन जो है फिर भी दिखा दिया कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है सर, बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होने से मुझे लगता है कोई फर्क वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है, अगर प्लेइंग सेवन अच्छा खेलता रहे तो कोई कोई भी रोटेट कर लो, बैकअप तो रखना चाहिए ना, वही वही बैकअप अच्छा होगा जी तो लड़ाई सैन भी तो लड़ाई अच्छी होगी जी बिल्कुल, प्लेइंग सैन भी खुल के चलेगी, कहते मेरा बैक बड़ा अच्छा भाई आ रहा हूं तेरे को लौंडे लेके पीटने के लिए, मैं क्यों अब भाई तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, तो बैक अच्छी रखनी चाहिए यहाँ पे मुझे यही सर। ये उज्जवल गोयल पूछ रहे हैं सर बैंगलोर बुल्स के चांस है लेकिन प्रार्थना करने में, प्रार्थना करेगी कोई टीम हारेगी तभी वो प्लेऑफ में जा सकती है। मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, बेंगलुरु बुल्स जो है वो जरूर सर आज प्रेडिक्शन दिखा ली जाए, हाँ प्रेडिक्शन की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आज की जो प्रेडिक्शन है उसके लिए नेगी साहब जो है, नेगी साहब मिस्टर इंडिया हो गए, मिस्टर इंडिया हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा मोहित सर प्रेडिक्शन की तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ पे, एक मेरे मेरे दिल और दिमाग में एक बात चली, जिस तरह से अगर हम स्टैंडिंग की बात करें, हम जिस तरह से स्टैट्स की अगर बात करें अब इसके आगे, तो आज देखिए पवन सेरावत जो है टॉप, जो रेडर की बात करें तो 220 रेड पॉइंट के साथ पवन सेरावत टॉप पे हैं, इसी के साथ हम सक्सेसफुल रेड है सर, नीचे चलो प्लेयर सक्सेसफुल रेड्स की बात कर रहा हूं सर, ओके 220 और प्लेयर रेड पॉइंट की बात करें 274 और अगर टैकल की बात करें तो प्लेयर की सक्सेसफुल टैकल है 73 मोहम्मद रिजा यहां पे सबसे ऊपर है। तो सर अगर सागर को पीछे छोड़ दिया सर इन्होंने, अभी नहीं छोड़ा सर शायद, अभी ये दूसरे नंबर पे, लेकिन इनके पास मैच काफी, लेकिन सर मुझे एक रेडर था यहाँ पे मनजीत जी जो कि नाइन्थ पोजीशन पे है, सचिन से एक पायदान ऊपर है, गुम हो गए सर मनजीत लास्ट सर। में आगे जैसे तमिल के मैच ऊपर ज्यादा चलने लगे तो मनजीत गायब से होने लग गए थे। सही बात है फिलहाल लाइक करो आप हमारे इस वीडियो को और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो है प्रेडिक्शन के लिए जो है बोल रहे प्री मैच प्रेडिक्शन जी, प्री मैच दिल से देसी, वाह क्या बात है, जिस तरीके की प्रमोशन आप कर रहे हैं ना, परी मैच आपको एप्पल में भी अब जाके जो है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएगी मुझे लग रहा है, अब परी दिल मैच से देसी है, दिल से देसी भाई साहब। तो फिलहाल आपको बता दूं हीरो ऑफ द डे 58 प्रेजेंटेड बाय परी मैच, मनजीत छिल्लर, पवन सेरावत, सुरेंद्र गिल, तो यहाँ पे 59% वोट के साथ पवन जो है पवन सेरावत टॉप पे है और परी मैच प्रेडिक्शन में मनजीत छिल्लर 24% के साथ दूसरे स्थान पे है और सुरेंद्र गिल 18% साथ तीसरे स्थान पे है। यार मैं जीत गया सर आज भी, फिर भी जीत गए, ओ माय गॉड यहाँ पे जीत चुके हैं, मैच मैच प्रेडिक्शन सर हमारी जनता जनार्दन जीत चुकी है, साथ खड़ी होती है वो उसको जितवा भी देती है। सही बात है, तो मैं आपको बता दूं कि परी मैच प्रेडिक्शन में मोहित छिल्लर 33 पॉइंट्स के साथ यहां पे टॉप पे है और ऊपर से ये एंजॉय कर रहे हैं, इनके नीचे है आशीष नेगी 32 पॉइंट्स के साथ, क्या बने हुए
क्या बने हुए सर? जो सैंडविच बने हुए हैं, सैंडविच, बर्गर देखा, सैंडविच देखा आपने? हाँ, तो देखिए कोई नहीं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड की लड़ाई है, मैं मुझे तो नीचे से भी मजा आता है, मैं पीछे से भी मजा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मेरी दिक्कत ना लो भाई साहब, हम तो जी जो है चिरमिरी चिरमिरी धूम धड़ाका, कहीं भी आ जाओ हम कर देंगे जी, हम कर देंगे यहाँ पे धूम धड़ाका। तो फिलहाल ये था प्रशांत, कहते पुजारी कहते मोहित भाई सर व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग इन पीकेएल, आई एम सीइंग यू आफ्टर मेनी डेज, प्लीज आंसर सर सर सर। तो जी ये जो घुटन है ना भाई साहब, ये एक दिन बेलन इनके घर में नरम नहीं है, मैंने कहा भी था बेलन की जगह कुछ और ले जाओ, जो अंग्रेजी फिल्मों में हीरोइन यूज करती है, रोटी भी बेल दी जाएगी, मार भी कम पड़ेगी। तो नहीं भाई ताली बजा रहे हैं, दो तीन महीने में आपके घर भी वही यूज होगा। तो भाई वो ठीक है ना भाई, मार कम पड़ती है उससे, रोटी भी मिल जाएगी, सही है ना सर, दिक्कत कम हो जाएगी। आपके घर यूज हो रहा है, मैंने नया तरीका सीखा है, नेगी भाई के घर अब यूज होने लग जाएगा। बिल्कुल, तो दिक्कत ही मत लो। तो सर ये तो संगमरमर का लेके गए ना आप, जो पत्थर का बेलन लेके गए, सर लगेगा भी और दर्द भी करेगा, दर्द करेगा भाई साहब, सही बात है। शिवम श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सर क्या आशु और शुभम की जोड़ी अच्छा कर पाएगी आने वाले प्लेऑफ मैचेस में यूपी योद्धा के लिए, प्लीज बताइए, मुझे नहीं लगता। सर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती आज के लिए सर, अब प्लीज वो पोल भी खत्म हो गया हमारा, लाइक भी आपने बहुत सारे कर दिए और देख भी हमें बहुत सारे देख रहे हैं, तो रुक जाओ बस यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे उन्होंने ताली बजाई ना जी, उसका हिसाब दिया है मैंने सर, मैंने परी मैच पोल का रिजल्ट यहाँ पे मैं शो करना चाहूंगा, हीरो ऑफ द डे 58 प्रेजेंटेड बाय परी मैच, पवन सेरावत 58% के साथ जीत चुके हैं आज की सरपंची परी मैच सरपंची, और उप प्रधान है यहां पे मंजीत चिल्लर, लाइक दबाओ भैया, जितना दबाओगे ना सच कह रहा हूं उतना मोटिवेशन हमरा बढ़ेगा यहां पे, हाय तो फिलहाल बढ़ा दो यहां पे फिर आपको तो है? दबाओगे ना भैया, दबाओ मत हमें, मंजीत चिल्लर भैया, सुरेंद्र गिल भैया, हमें नरम हाथों से दबाने में मजा आता है, तो आप जरा संदीप गिल भैया आप जरा थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, और सुरेंद्र गिल भैया हाँ 17% वोट के साथ आपको मेंबरशिप दी जाती है, और गांव की सरपंची उप सरपंची के बाद मेंबरशिप होती है, यहाँ पे सुरेंद्र गिल मेंबर हो गए, पोल कंप्लीट हुआ, 610 वोट आए हैं, लाइक 610 नहीं आए, ये दुख मुझे आज भी रहेगा, और 100 साल पहले यही दुख था, यही अब भी चल रहा है कि लाइक्स जो है आपके कम आ रहे, फिलहाल चले हो गए सर लाइक्स देखिए 254 हो गए, 300 करवा ले क्या, 500 करवा दिए थे सर, चलो 254 सही खा लेंगे। तो चलिए ठीक है फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और खेल लाओ टीवी पर कल हम मिलेंगे 6:30 बजे प्री मैच में मोहित सर के साथ, मोहित सर कल हम बहुत सारी बातें करेंगे, और वो जो बेलन आप नेगी सर को समझा दे जी, बेलन ले जाना है ना वो प्लास्टिक वाला वो ठीक रहेगा घर पे, मार कम उससे जो है कम पड़ेगा, तो बोल कबड्डी खेल कबड्डी, बने रहिए खेल लाओ टीवी पर, शुभ रात्रि कबड्डी कबड्डी, अवसर एक मैच हो जाए।